सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परितोष टेक्निकल में। और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक और वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर जो कि आता है बोट की तरफ से, और यह है बोट स्टोन 580। बात करें इसे कुछ स्पेक्स की तो यहाँ पे आपको 12 वाट का स्टीरियो साउंड स्पीकर दिया गया है जो कि RGB लाइट के साथ में आता है। ब्लूटूथ 5.1 टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया गया है। IPX4 स्प्लैश प्रूफ के साथ में आता है और 2000 मिलियन पावर की आपको बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 7 to 8 आवर्स का बैकअप आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पर आपको ऑक्स इन केबल का भी सपोर्ट दिया गया है और USB का भी सपोर्ट दिया गया है। तो इस वीडियो में इसका रिव्यू करने वाले हैं और बताएंगे कि आपके लिए ये वाला स्पीकर कैसा होने वाला है। मैंने इसे मंगाया है अमेजन इंडिया से और मुझे पड़ा है 1800 रुपीज़। तो चलिए करते हैं इसका फुल रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की टाइमली मिल जाए। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए करते हैं फुल रिव्यू बोट स्टोन 580 ब्लूटूथ स्पीकर का। तो गाइस, अनबॉक्सिंग हमने कर लिया है और बॉक्स कंटेंट मिल जाता है बोट स्टोन 580। और मैंने मंगा है पाइन ग्रीन कलर, वैसे ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है लेकिन ये पाइन ग्रीन कलर देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ आपको मिल जाता है यूज़र मैनुअल, तो आप इसे पढ़ सकते हो, सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है। यहाँ आपको मिल जाता है USB केबल जो कि टाइप सी केबल है इसे चार्ज करने के लिए। ऑक्स इन केबल भी आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसका यूज़ कर पाओगे। बोट की तरफ से आपको स्टिकर मिल जाता है जिसका आप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पर एक बुक दिया गया है बोट की तरफ से जहाँ पर बोट के जितने भी नए प्रोडक्ट हैं आप यहाँ पर देख पाओगे। और यहाँ पर आपको QR कोड दिया गया है। ये जो स्पीकर है ये 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है, तो QR कोड को आपको स्कैन करना है। 1 ईयर की वारंटी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो गाइस, बॉक्स कंटेंट में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। गाइस, बात करते हैं हमारे फर्स्ट इंप्रेशन और बिल्ड इन क्वालिटी की। ये है बोट स्टोन 580 और मैंने मंगा है पाइन ग्रीन कलर, वैसे ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। ऊपर में आपको स्ट्रैप दिया गया है, स्ट्रैप की क्वालिटी काफी बढ़िया है, रगेड डिजाइन के साथ में आता है। स्पीकर को आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हो, कहीं पर भी ले जा सकते हो। यहाँ पर जो ये स्पीकर है इसकी जो बिल्ड इन क्वालिटी वो काफी सॉलिड है। 740 ग्राम का इसका वेट है टोटल वेट। और यहाँ पर पॉली कार्बोनेट का यूज किया गया है जिसकी क्वालिटी आपको काफी सॉलिड मिल जाती है। बोट की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है सामने में। और यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल दिया गया है जहाँ पे LED लाइट और RGB लाइट आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लिंक हो रही है। और यहाँ पर आपको स्पीकर दिया गया है 12 वाट का RMS स्टीरियो साउंड स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है गाइस वो काफी बढ़िया है। ब्लूटूथ 5.1 टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया गया है। IPX4 स्प्लैश रेसिस्टेंट के साथ में आता है। ये पूरा वाटरप्रूफ नहीं है लेकिन ये स्प्लैश रेसिस्टेंट के साथ में आता है। नीचे में आप देख सकते हो कि काफी बढ़िया रबड़ का इस्तेमाल किया गया है। तो स्पीकर को आप किसी भी सरफेस में अगर रखोगे तो यहाँ पर जो इसकी ग्रिपिंग है वो काफी बढ़िया हो जाती है। तो बिल्ड इन क्वालिटी यार काफी सॉलिड यहाँ पे आपको मिल जाता है। वहीं ऊपर में आपको सारे मल्टीमीडिया फंक्शंस बटन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाओगे और सारे बटन आपको ऊपर में मिल जाते हैं। बटन की क्वालिटी काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया यहाँ पे रबड़ का इस्तेमाल किया गया है जो कि रगेड डिजाइन के साथ में आता है। चलिए इसे ओपन करते हैं। और यहाँ पे आप USB और ऑक्स इन केबल का भी सपोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पे आपको मल्टी कनेक्टिविटी के साथ में आता है। और यहाँ पर आप इसे चार्ज कर पाओगे। यहाँ पे आपको चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो होल आपको दिया गया है, तो स्पीकर को आप यहाँ पर रीसेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके अंदर में 2000 मिलियन पावर की बैटरी आपको दी गई है स्पीकर में जो कि 4 to 5 आवर्स में ये फुल चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे बोर्ड बोलता है कि आप इसे एक बार चार्ज कर लेते हो तो 50% वॉल्यूम में आपको 8 आवर्स का ये बैकअप इजिली प्रोवाइड कर देता है। वही अगर बात करें तो यहाँ पे प्लस और माइनस का बटन दिया गया है जिससे आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। नेक्स्ट ट्रैक और प्रीवियस ट्रैक में आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको मोड बटन दिया गया है जिससे आप ब्लूटूथ ऑप्शन में जा सकते हो और यहाँ से आप FM रेडियो में भी जा सकते हो। और यहीं से ऐसे दो स्पीकर को एज ए स्टूडियो आप यहाँ पर इजिली कनेक्ट कर पाओगे। प्ले और पॉज का यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, तो यहाँ पर आप प्ले और पॉज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का भी बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको RGB लाइट का बटन दिया गया है। चलिए इसे मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप जैसे प्रेस करोगे जो लाइट है वो चेंज होने लगेगा जैसा कि आप देख रहे हो। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर पाओगे। और ये है आपका पावर ऑन और ऑफ का बटन। और यहाँ पे आपको माइक्रोफोन दिया गया है। तो डिजाइन काफी बढ़िया है और स्पीकर की जो क्वालिटी है गाइस वो काफी बढ़िया आपको दी गई है, काफी रगेड डिजाइन है।
जो बटन की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है और जो स्पेसिफिकेशन है गाइस वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। 740 ग्राम का ये स्पीकर है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे बिल्ड इन क्वालिटी गाइस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सॉलिड है। तो गाइस अब हम बोट स्टोन 580 को अपने मोबाइल से पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पीकर में ये हमारा पावर ऑन ऑफ का बटन है, तो इसे हम प्रेस करेंगे। तो ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे हम चलते हैं अपने मोबाइल में और यहाँ पे हम सर्च करेंगे बोट स्टोन 580। सो गाइस यहाँ पे शो हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो बोट स्टोन 580। अब हम इसे अपने मोबाइल से पेयरिंग करेंगे और गाइस ये पेयर हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरे मोबाइल से ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, बोट स्टोन 580 कनेक्टेड जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे हम बहुत सारे म्यूजिक सुनेंगे और देखेंगे ये जो स्पीकर है यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, बेस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे 12 वाट का RMS स्टीरियो साउंड स्पीकर आपको दिया गया है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो गाइस यहाँ पे ये LED लाइट और RGB लाइट के साथ में आता है। Does no one ever see me? Did I do something wrong? Did I hurt feelings? It is hard to be found when no one's looking. I'm feeling left out and I keep screaming. No one ever understands it. Feels like I became an Atlantis. I'm looking for a way. To a lonely point and I can't get out. Hope for something magical, cause no one else seems to even bother. It's like I'm on my own facing this loneliness. It is hard to be found when no one's looking. I'm feeling left out and I keep screaming. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I did was to give a hand to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this in the air? Do you know where secrets go? Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already and it's working up my nerves. You should probably forget me cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So pack up your bags and run. Once you see the truth, you'll be over it. And when it's all said and done, hey, buddy. ए बुढ़ो, अबे तेरी पूरी फैमिली की सुपारी मुझे मिली है। तेरे पोते बीवी को तो टपका देंगे लेकिन तेरी बहू को मारने का मन नहीं कर रहा है यार। और राब्ते के मक्खन मलाई के माफी कह रहे वो मलाई मुझे भी देना। वो बुंडा गली में आके अकेला फंस गया रे। ए, अरे सुनना बुड्ढे, तेरी बहू मलाई है ना। सारा है क्या ठोक देते हैं।
तेरी को तो मैं जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता, बस ठोक देता। मेरे पोते पे खंजर लगाने वाला आज खुद लेटा हुआ है। अरे रे, मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखना चाहता था ना। अभी मैं गुस्से में हूं, पर वो देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। अरे हाँ, तू कुछ बोल रहा था। तू बहुत दूर से बोल रहा था, ठीक से सुनाई नहीं दिया। फिर से बोलना। कुछ नहीं बोला। कुछ तो बोला। क्या बोला? क्या? मेरे पास बता। बोलना। मेरी बहू के बारे में बोल रहा था। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। फिर से बोलना एक बार। ये था हमारा अनबॉक्सिंग रिव्यू बोट स्टोन 580 स्पीकर का। बेस आपको बहुत ही बढ़िया दिया गया है, हमारे इंडियन यूजर को डेफिनेटली पसंद आएगा। बुम्बास्टिक बेस के साथ में आता है, आप कोई भी गाने प्ले करोगे तो डेफिनेटली आप इंजॉय करने वाले हो। और ये जो स्पीकर है, इसे आप 450 टू 500 स्क्वायर फीट में अगर आप रखोगे, यूज करोगे, तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा और आपको लगेगा कि आपने एक बढ़िया स्पीकर लिया है। 12 वाट का RMS स्टीरियो साउंड स्पीकर आपको दिया गया है, जहां पर ये LED लाइट के साथ में आता है और LED लाइट के जो मोड्स हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हो। जो साउंड क्वालिटी है वो आपको बहुत ही बढ़िया दिया गया है। 100% वॉल्यूम में अगर आप गाने वगैरह सुनते हो तो आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन जरूर महसूस होने वाला है, लेकिन आप इंजॉय करोगे क्योंकि साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी बढ़िया लाउडनेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर बात करें बैटरी की, तो बोट स्टोन 580 में आपको बड़ी बैटरी दी गई है। 2000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है, जो कि 4 hours में ये फुल चार्ज हो जाता है। यहाँ पर सिंगल चार्ज में आपको 4 to 5 hours का बैकअप देगा 100% वॉल्यूम में, और 7 to 8 hours का बैकअप देगा
50% वॉल्यूम में। वन वीक से मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो मुझे इसका बैटरी लाइफ है वो बढ़िया लगा है। मैं इसे काफ़ी यूज कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है स्पीकर को लेकर के, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको सही मिल जाता है। यहाँ पे आपको TWS फीचर भी दिया गया है। तो बोट स्टोन 580 की अगर आप ऐसे दो स्पीकर परचेज करते हो तो यहाँ पे ये डबल इम्पैक्ट का काम करेगा। जो साउंड क्वालिटी है, जो बेस है, वो आपका काफ़ी बूस्ट और हाई हो जाएगा और 1000 स्क्वायर फीट एरिया में भी आप इसे इजिली यूज़ कर सकते हो। जो इम्पैक्ट है वो डबल का आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आपको TWS फीचर भी दिया गया है, हैंड फ्री कॉल्स भी आपको दिया गया है स्पीकर में जो कि बढ़िया से काम करते हैं, वॉइस असिस्टेंट भी दिया गया है वो भी बढ़िया से वर्क करते हैं। 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है और स्पीकर का जो वेट है वो 740 ग्राम का है, तो आप इसे कहीं पर भी इजिली कैरी कर सकते हैं। इसका जो ब्लूटूथ रेंज है वो है अप टू 10 मीटर का। तो 10 मीटर के डिस्टेंस में अगर आप इसे कनेक्ट करते हैं तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं, बढ़िया से काम करता है। स्पीकर को कनेक्ट करके मैंने बहुत सारे गेम्स वगैरह प्ले किए हैं और यार एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर यहाँ पर आप गेम्स वगैरह प्ले कर रहे हो स्पीकर में तो जो साउंड क्वालिटी है, जो बेस है, वो बहुत बढ़िया मिलता है और आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप परचेज कर सकते हो। अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है और यहाँ पे बोट के अपने वेबसाइट पर भी आप इसे परचेज कर सकते हो। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की टाइमली मिल जाए। तो बस दोस्तों, मैं परितोष थानी साइनिंग ऑफ।